एक पेड़ भी काफी है, इतने ज्यादा लगते हैं, बहुत ज्यादा है। ये लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का वन है। आपको विश्वास नहीं था कि इतनी बर्फ होगी वहाँ पे? जब बर्फ पड़ती ना, यहाँ आएगी 1.5 फुट, यहाँ आएगी 4 फुट बर्फ। अभी का टेम्परेचर हो रखा है माइनस। ये वाला एरिया ना, ये वाला जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पे नोकली खड्डा है। जब बरसात होती है तो ये काफी ज्यादा मात्रा में इसमें पानी आता है, तो ये ना 12 महीने चलने वाली खड्डा है। ये सामने जो दिख रहे हैं ना, वो सामने वो देखो, जहाँ बर्फ भी पड़ी है ना, बर्फ पड़ी है, ये ना वहां से निकलती है। जो ये चोटी है ना, इस चोटी पे साल में 10 महीने बर्फ रहती है। 2 महीने नहीं बर्फ रहती, जून और जुलाई में, अगस्त में यहाँ पे बर्फ शुरू हो जाती है। तो गोल्डी कैसे लग रहा है यहाँ से? हमारा गांव सामने देखो आप, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बस जो पहले आया था ना मैं, 9-10 साल पहले, उसके बाद काफी चेंजेस हुए, बहुत चेंजेस हुए हैं। तो उस समय लगता था कि एकदम अलग है। हाँ। अब मतलब कि नए नए टाइप के घर बन चुके हैं, पहले लकड़ी के घर थे मैंने देखा। हाँ। यहाँ भी इतने बड़े बड़े घर थे नहीं, ये छोटे छोटे घर यहाँ पर खाली थे सारा। हाँ, सारा खाली था। 10-15 सालों में काफी चेंज हो गया, बहुत चेंज हुआ है। ये गांव जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, शहर बनते जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, शहरीकरण हो रहा है। भैया अब खिलाएंगे ताजा अखरोट। अखरोट का पेड़ ये वाला है? ये वाला अखरोट का पेड़ है। तो लोग उठाते नहीं यहाँ से अखरोट? ऐसे नहीं उठा सकते हैं, बट कोई किसी ने उठाया नहीं होगा। इनका टेस्ट तो ज्यादा अच्छा होगा फिर। हाँ, थोड़ा है, दांत से भी तोड़ सकते हैं आपको। तो ये अखरोट है ये, कितने दिन हुए होंगे गिरे हुए नीचे? ये तो आज भी गिरे होंगे, क्या पता, हवा से गिर रहे थे। पेड़ तो दिख नहीं रहे मुझे। पेड़ में जो अच्छे अखरोट है सारे, मुझे लगा पत्ते हैं। अखरोट का पेड़ है, सारे अखरोट है, पत्ते लग रहे हैं, जल्दी से झाड़ने पड़ते हैं। बहुत पेड़ थे मेरे भी यहाँ पर खेत में, 2 पेड़ थे अखरोट के, मतलब एक पेड़ भी काफी है, इतने ज्यादा लगते हैं। बहुत ज्यादा है, कम से कम यहाँ पर एक कट्टा बोले तो बोरी हो जाते हैं एक पेड़ से, ज्यादा है, बोरी से तो ज्यादा ही होते हैं हमारे अखरोट। ये कम से कम बोला, हमने दादा वगैरह से सुना है ये, बोला हमने भी ऐसे ही देखा हुआ है पेड़, मतलब बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। दादा वगैरह से बोले ये ऐसे के ऐसे देखा हमने। तो गोल्डी फाइनली मैं आपको अखरोट खिलाता हूँ। खिलाओ खिलाओ, लो खाइए। थोड़ा सा जीप से लगेगा तुझे? हाँ जीप है, पर अच्छा भी है, नेचुरल है। ये पेड़ में सूखा हुआ है, अमूमन क्या करते हैं हम लोग ना, पेड़ से पहले निकाल लेते हैं जब ये आ रहा होता है ना, उसके बाद इसको खुद से पाते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारे को बहुत सारे अखरोट मिलेंगे। अखरोट की कमी है ना यहाँ पे, कमी है में क्या है, अगर कमी भी है तो लोग एक दूसरे खेत में जाते नहीं है। कुछ अखरोट वहाँ भी पड़े हैं तो अभी भाई जाके उठाएंगे, थोड़ा डेंजर है। आराम से आराम से। ये अखरोट का पेड़ पहले बहुत बड़ा था गोल्डी ना, ये काट भी रखे ना, काट रखे ना क्योंकि और पुराना भी हो गया, कुछ ये सूख गया, जैसे ये टहनियां सूख गई ना। हाँ हाँ, तो ये काटनी पड़ेगी। यहाँ तक इस लाइफ तो काफी, हम भी इतने बड़े हो गए, मतलब मेरी उम्र अभी 35 साल हो गई है, तो हम ना यहाँ खेलते थे तब तो एक कच्चा था, यहाँ तक का था, तो ये पेड़ बहुत बड़ा था। कल यहाँ बहुत भीड़ रहेगी। कल क्यों? कल संडे है, मंदिर जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे वो सामने वाले देख रहे हैं तू कैसी डिजाइनिंग हुई है बाहर से। ये लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का वाला है लकड़ी, अभी वो ऐसी नॉर्मल नहीं दीवार। अच्छा, वो महंगी होती है। हाँ महंगी होती है। फर्स्ट टाइम रामपुर आया था भैया के साथ यहाँ पे, तो इस साइड से आया था। उस समय भैया के पास कार नहीं होती थी तो हम बस से आए थे, तो ये पूरी जो पौड़ियाँ ऐसी दिख रही है यहाँ से होके गए थे। भैया का पुराना घर ये वाला है पूरा, जब मैं लास्ट टाइम आया था यहीं से एंट्री हुई थी, और ये 2-3 कमरे हैं। हम सोते कहाँ थे? हाँ वो रहा अलग से, वो छोटा खिड़की से लगी है ना ऊपर, वहाँ सोते थे ना टॉप में। हाँ, इसमें झुक झुक के चलना पड़ता है, देख सकते हो ऐसे चलना पड़ता है, बड़ा झुक झुक के मेरी हाइट के हिसाब से। ये कितना 5 फुट होगा ना आपका नया वाला घर? के वाला नहीं, मुझे तो पुराना घर पसंद है। तो डरते क्यों यहाँ पे? एक्चुअली में क्या, थोड़ा ये कंजस्टेड हो गया था। अभी हम भैया के घर दोबारा आ गए हैं, बाहर से ऐसा दिखता है। मेरे को हिमाचल के यहाँ पे मैक्सिमम घर सब में यह कि नीचे रहते हैं, ऊपर उन्होंने 2 फ्लोर में वो लगाए होते पिल्लर थे ना। क्यों लगाए होते पिल्लर है आप एक्सप्लेन करो। इधर भी था कहीं, एक यहाँ पे भी आए, तो एक मंजिल में पिलर है, दूसरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली हमारे को ना छत डालनी पड़ती है, बर्फ ज़्यादा आती है तो लेंटर पे जमा हो जाती है, उससे सीलन ज़्यादा आती है घर में। अच्छा, तो ये है एंट्रेंस, सामने इनका बगीचा भैया और का, के सामने खेत हैं सारे, सेब लगे हैं और भी हैं, कुछ मूली वगैरह उस साइड लगा रखी है। तो ये सारा सेब का बगीचा है, पर ये सारी जमीन आपकी नहीं है ना? पर
तो अभी हम जा रहे हैं भैया के बगीचे में। सेब का बगीचा है वैसे? है तो सेब के ही है, बाकी पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा, आप भी नहीं गए? वैसे हमारे सर अंकल भी जा रहे, इसलिए अंकल ही लेके आ रहे हैं। यहाँ तो अंकल बोल रहे थे कि कार लेके आ, अपनी भैया को बोल रहे, भैया लेके नहीं आए। रीजन भैया? मैं गूगल फिट को सहयोग देना चाहता हूँ। कुछ ऐसा सा रोड है, वहाँ से बर्फ दिख रही थी, अभी दिखाऊंगा, शायद उस एंड पे जाके दिखेगी, है ना? बहुत पास दिख रही थी वहाँ से ना। बर्फ तो वही है, बर्फ का टीला तो वही है। नहीं, एक और था वहाँ पे, बहुत ज्यादा बड़ा था, मतलब काफी पार से दिखेगा थोड़ा। हाँ, जब हम उस गैप से बाहर, इस गैप से बाहर निकलेंगे सामने, मतलब वही एंड पे आ जाएगा। उस एंड पे नहीं जाएंगे, उससे पहले हमारा बगीचा आ जाएगा। तो ये है बगीचा भैया का पूरा, बस वहाँ पे थोड़ा सा पीछे साइड में वो गिरा हुआ था मिट्टी। किसने गिराया? हमने जेसीबी से कटिंग ली थी, ग्राउंड बनाया, यहाँ पे हमने घर बनाना है। हाँ, भैया ने नया घर बनाना है इधर। भैया पहले दो घर हैं, एक और बनाने वाले हैं। ये इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पे जैसे एप्पल से तुम्हें हमारे को दिक्कत होती है, स्टोरेज वगैरह के लिए ना। अच्छा अच्छा, मतलब यहीं पे स्टोर कर लिया करोगे फिर? नहीं, स्टोर नहीं, जैसे मतलब होता ना उस टाइम क्या है कि बरसातों के सीजन तो हमारे को ना टेंट लगाना पड़ता है, उसमें कई बार जैसे हमारे बॉक्स वगैरह होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं। अच्छा, हमारे कई बार यहाँ से सीधे ही कैरी करना पड़ा किसी औरों के पास में। हाँ, साइड में रोड भी आ गया। हाँ, अपना शेड होगा फिर हम अच्छे से कर पाएंगे। इस जगह की बात कर रहा था जहाँ पे स्नो है, तो अभी हमने थोड़े ड्रोन शॉट लिए हैं इसके, और अभी हम जा रहे हैं अपना मतलब भैया का बगीचा बगीचा देख के भैया के घर वापस। तो भैया, आपको विश्वास नहीं था कि इतनी बर्फ होगी वहाँ पे? नहीं, मेरे को भी नहीं था विश्वास, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब गर्मी है ना गोल्डी, हाँ, तो उस हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा था। पर वैसे उस एरिया में ना बर्फ, मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में बोला था कि आठ दस महीने तो आराम से बर्फ रह जाती है वहाँ पे। अच्छा, और क्योंकि उस पार्सल ये नहीं थी, 200 महीने तो रोए थे, छह महीने तो रोए रहा ना, पर 200 महीने से करवा दी थे, पिघलती कम है क्योंकि ये रहती है दिसंबर से आजकल शुरू हो जाती है बर्फ पड़नी, दिसंबर जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक, फिर अगस्त और एक अगस्त के महीने में होती, जुलाई और अगस्त में होती ना, सेप्टेम्बर से फिर वैसे शुरू हो जाती है स्नोफॉल। हाँ। जगह का नाम क्या था वो? गोल्डी, उस जगह का नाम ना मरवाल डंडा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, फिर पेड़ पौध भी कम है, इसलिए लोग रहते नहीं वहाँ पे। हाँ, लोग नहीं रह पाएंगे वहाँ पे, बहुत ज्यादा हाइट है वहाँ पे, क्योंकि 10 महीने तो बर्फ रहती है, फिर कैसे लोग सरवाइव कर पाएंगे। हाँ जी, ये पहाड़ वाली पहाड़ी है ना, ये भी आने की। कौन सी पहाड़ी? सामने वाली छोटी वाली? हाँ, ये सामने वाली जो है, फोन में तो अच्छा दिख रहा है। हाँ, जो सामने वाला ना, ये वाला जो एरिया है ना, वो बिल्कुल सामने दिख रहा है ना हमारी गोल्डी, वो है वीरभद्र का बगीचा, बहुत हाइट में है, बिल्कुल सामने, वो एरोप्लेन की शेप में नहीं बना है। हाँ, बम्बूरा टिब्बे। हाँ, कौन सा जो ऊंचा वाला? सबसे ऊंचा। हाँ, ये बम्बूरा के टिब्बे, वो लंडकरी पड़ा यहाँ पर, और जो तीसरी चौथी पहाड़ी दिख रही है ना, वो नारकंडा है। अच्छा, आगे चौथी पहाड़ी है, चौथी पहाड़ी दिख रही है, पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी जो टॉप वाली दिख रही है ना, वो नारकंडा यहाँ से हाइट पे है। हाँ, यहाँ से हाइट है ना, तो वहाँ ज्यादा बर्फ पड़ती होगी, नारकंडा में ज्यादा बर्फ पड़ती है, कम पड़ती है एक्चुअली। दूसरे हाइट तो हमारे एरिया की जितनी हो, टॉप चोटी है ना, हाँ जी, उसकी हाइट और नारकंडा की हाइट इक्वल है। यहाँ भी जब बर्फ पड़ती है ना, यहाँ आएगी 1.5 फुट, यहाँ आएगी 4 फुट बर्फ, और 2 दिन में पिघल जाती है। जो पिछली साइड वो नहीं जाती है मई से पहले, उस साइड धूप नहीं आती होगी ना। अभी बज रहे हैं रात के 7:30, और कुछ ऐसा सा व्यू आ रहा है पूरा बाहर का। तो अभी हम भैया के कज़न भैया के घर गए थे, तो वहाँ थोड़ी देर गपशप लड़ाई भैया ने, मैं तो बैठा रहा, और वहाँ पे इलेक्शन की बातें हो रही थी, कौन जीतेगा, कांग्रेस की बीजेपी। तो उसके बाद हम गए दुकान में जहाँ से मैंने थोड़ी बहुत चॉकलेट ली, क्योंकि वो नींद की प्रॉब्लम है, बताई नहीं मैंने कभी, वैसे एक वीडियो में बताई थी मैंने। तो जब मैं मसूरी वगैरह गया था वहाँ पे, मेरे भाई ने मेरे को चॉकलेट वगैरह खिलाई, जो सर्व जो होता है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी बहुत नींद आ रही है उसके चक्कर में। तो मैं चॉकलेट लेने गया था वहाँ से, भैया के पापा ने कहा था
कि चिकन ले लेना, तो अभी चिकन ले रहे हैं, ले लिया मतलब कि भी देखी होगी अपनी क्लिप एक, तो चिकन ले गए, अभी हम घर जा रहे हैं, शायद आज ही बनाएंगे ना भैया फिर चिकन, लग रहा है साइड से दिख रहा पूरा रामपुर, उस साइड से दिख नहीं रहा था, तो अभी घर निकलते हैं। और आज का टेम्परेचर, तो आज का टेम्परेचर नहीं मतलब कि अभी का टेम्परेचर हो रखा है माइनस तो नहीं है, कम सेवन हो गया, सॉरी अभी सात है, और ये टेम्परेचर पांच तक जाएगा, तो पांच से भी कम जा सकता है, पर गूगल पे तो पांच दे रखा है, नहीं वैसे पांच बोला तो होता है ना गूगल पे, पर कम जाता है, हाँ वो भी है। और अभी बज रहे हैं रात के 7:30, और कल हम पहुंचे थे 12:30 यहाँ पे, तब भी 5 डिग्री टेम्परेचर था, पर उस समय ठंड नहीं लगी मुझे, पर अब ठंड लग रही है, इसलिए टोपी वगैरह डाल रखी है, और मैं इनर उनर तो लेके नहीं आया, तो ये कैप वाली मेरी ये जैकेट थी, तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है ये पहनने के बाद, ये है कि ठंड बहुत है। हाँ आगे आगे ना जैसे जैसे दिसंबर के दिन खत्म होते जाएंगे, मतलब दिसंबर आएगा नजदीक रहेगा, सर्दी आगे आगे बढ़ती जाएगी, और स्नोफॉल भी होगी, स्नोफॉल भी होगा। तो अभी हम घर जा रहे हैं, और घर जाके मिलते हैं, हम पहुंच चुके हैं घर,